हेलो, तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजाइन। तो जो बेंजाइन है दिस इज द बेंजीन से ही बनता है ये मॉलिक्यूल जो है कि दिस इज बेंजाइन। ये बेंजीन का ही डेरिवेटिव हम लोग जो है कि देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है दैट इज नोन एज बेंजाइन। ये हमारा बेंजीन है। तो बेंजाइन में डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो देख कर लगता है डबल बॉन्ड दैट मीन्स sp2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp कार्बन। लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, ऑल कार्बन आर sp2। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना कि sp। यानी कि यहाँ कंट्राडिक्शन ये है कि ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है सी है। तब हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड देखने में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ये होना चाहिए sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है। तो हम लोग देख इसको समझने के लिए हम लोग बेंजीन से जो है कि देख सकते हैं कि बेंजीन में जो ये हमारा कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है sp2। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल यूज हो जाता है। तो टोटल कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल होता है, 2 p ऑर्बिटल जो है कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाता है इस कार्बन का, 2 p ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाता है, और जो 1 p ऑर्बिटल बचा दैट इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ दो जो है कि ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया और 1 p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, यानी कार्बन का 3 p ऑर्बिटल कम्प्लीटली यूज हो गया। अब देयर इज नो पी ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास अब कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है कि ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड के रूप में नहीं है, दिस इज द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। मतलब जो बेंजाइन है तो ये जो है दिस इज नॉट ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड तब होता है जब ये पाई बॉन्ड जो है पी और पी के ओवरलैप से बनता। ये जो पाई बॉन्ड अगर पी पी के ओवरलैप से बनता तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो चूंकि इस कार्बन के पास जो है कि पी ऑर्बिटल एक भी वैकेंट नहीं है, इस कार्बन के पास पी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो कहेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। और ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना कैसे, तो कहते हैं ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना, दैट इज sp2 ऑर्बिटल, और sp2 ऑर्बिटल जो है इसके पार्शियली ओवरलैप से ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दिस इज द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो कि sp2 के ओवरलैप से बनता है। एस इट इज नॉट ट्रिपल बॉन्ड, इट इज एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, और ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज।